गाइस तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में, जो कि आज मेरा ये ब्लॉग होने वाला है अहमदाबाद सिटी का। आज आपको पूरा हम BRTS बस में CTM से सफ़र स्टार्ट करेंगे और जाएंगे RTO सर्कल तक, और आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में अपने कि अहमदाबाद के सिटी के अंदर BRTS बस जो देखो आया। ये जो बस अभी हमारे सामने से गई है इलेक्ट्रॉनिक बस थी, और हमको यहाँ से भी जो सफ़र CTM इस चार रास्ता से स्टार्ट होगा, हमें पीछे देखो यहाँ पे यहाँ से इटागो RTO सर्कल तक चलेंगे। अभी समय की अगर हम बात करें तो समय लगभग 10:35 हो रहे हैं, और हम अपना सफ़र यहाँ से CTM चार रास्ता से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये सफ़र हमारा जाएगा RTO सर्कल तक। तो गाइस अगर आप वीडियो पे आ सके हो ना, तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आप अहमदाबाद सिटी की पूरी खूबसूरती का आनंद लीजिएगा, और हम अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। बट आप कहीं नहीं जाइएगा, आप वीडियो का एंजॉय कीजिएगा। तो गाइस चलो चलते हैं हम अपने सफ़र की तरफ। अभी ये बस तो सामने वाली चली गई, अभी हम नेक्स्ट बस का इंतज़ार करेंगे। वो बस जैसे आप देखो तो पीछे वहाँ पे, यहाँ पे दो बस खड़ी हुई हैं, और एक यहाँ से आएगी और यहाँ से आगे यहाँ से जाएगी। तो चलो हम अपना टिकट जो है वो ले लेते हैं यहाँ से, टिकट की देखते हैं टिकट क्या प्राइस यहाँ से होता है। और लगभग यहाँ के जब समय की बात करें यहाँ से कितना लगने वाला, तो लगभग लगने वाला है 1 घंटे से ज़्यादा, क्योंकि पूरा अहमदाबाद जो है वो बाहर से घुमाते हुए हमको ले जाएगी ये BRTS बस। भैया हमको टिकट दे दो RTO सर्कल। कितने रुपए होगी प्राइस? 25 रुपये। तो हमको जो टिकट की प्राइस पड़ी हुई है वो 25 रुपये, हम भैया को 25 रुपये पे करेंगे। और ये देखो भैया ने हमको पैसा भी वापस कर दिया, और ये रहा हमारा टिकट। जो टिकट ये आप जो QR देख रहे हो ना, ये QR स्कैन करने के बाद ही हम यहाँ से अंदर एंट्री कर पाएंगे। और ये CTM चार रास्ता का देखो, यहाँ से ये डबल डेकर ब्रिज यहाँ से आप दिख रहा, और ये बस वहाँ से आएगी। और ये देखो आपको अगर कहीं अलग भी जाना है ना, तो आप यहाँ पे देखो ये पूरा इसका जहाँ जहाँ BRTS बस चलती है ना, उसका पूरा रूट यहाँ पे आपको दर्शाया गया हुआ है। आप यहाँ से भी देख के जा सकते हो कि कहाँ पे आपको जाना है, कितने नंबर की बस आएगी, यहाँ पे सब पूरा डिटेल्स में लिखे हुए हैं सारे चीज़, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो ये भी देख के। और यहाँ भैया से अगर आप पूछोगे जो टिकट काउंट पे जो टिकट दे रहे होते उनसे ही पूछोगे, तो आपको वो भी बता देंगे कि आप बस में कैसे और कहाँ से कितना टिकट होगा, कैसे जा सकते हो आप। तो चलो हम चलते हैं अंदर की तरफ यहाँ से। अभी हमको भी यहाँ से ही एंट्री करना पड़ेगा। हमारा जो टिकट था वो स्कैन हो चुका है यहाँ पे, यहाँ से बस अभी तो आई नहीं जा, ये आएगी हमारी बस यहाँ से, ये गेट नंबर 3 था, और ये बस यहाँ से हमारी बस नहीं आई, हमारी बस आने वाली यहाँ से गेट नंबर 4 से। चलो अपना पूरा जर्नी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CTM चार रास्ता से RTO सर्कल तक, यहाँ पे आप देखो। बस जाने वाली है, वापस जाने वाली है, हमको इसमें सफ़र करना ही नहीं है, तो हम इसमें क्यों करें, हमको यहाँ से डायरेक्ट RTO सर्कल की बस मिल जाएगी, तो डायरेक्ट उसमें बोर्ड करते हैं। दोस्तों हमारी जो बस है ना वो यहाँ पर निकली, हमारी बस आज की RTO सुबह है, और हमको यहाँ से ही बोर्ड करना है सुबह से इस बस में। देखो बस के अंदर हम बोर्ड कर चुके हैं, और यहाँ पे हमारे ये ड्राइवर था, और ये बस है ना पूरे इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें कोई भी आपको गियर देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, कुछ भी मतलब कुछ भी आपको नया इसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बस जो है इलेक्ट्रॉनिक है। और इसमें आज हम सफ़र करने वाले हैं, आपको यहाँ पे ऊपर देखो यहाँ पे AC देखने को मिल जाएगा, यहाँ ऊपर यहाँ पे AC यहाँ से, और पूरे बस में देखो वहाँ पे ऊपर जो ये जो लगा हुआ है ना यहाँ पे ऊपर, ये हमको बताता है कि हमारे स्टेशन कौन सा आने वाला है, आगे कौन सा स्टेशन कौन सा स्टेशन गुजर चुका है, उसमें आपको गियर देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर और भी अगर हम बात करें ना, तो आपको यहाँ पे नीचे चार्जिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में चार्जिंग वगैरह नहीं, तो आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। बस के अंदर की अगर हम बात करें तो सुविधाएँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो
हमारी जो जर्नी है ना वो सीटीएम चार रास्ता से स्टार्ट हो चुकी है बीआरटीएस बस के अंदर, और अब हम जाने वाले सीधा आरटीओ सर्कल। तो चलो आपको जैसे आगे जहाँ जहाँ पहुँचते जाएंगे आपको एक एक स्टेशन बताते जाऊँगा, और आप यहाँ का अहमदाबाद का जो खूबसूरती है ना आप वो देखने की कोशिश करना। आपको हर जगह पे आपको सारी सारी जो यहाँ की गतिविधियाँ ना गुजरात की अहमदाबाद की वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इस ब्लॉग में। तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को मिस नहीं कीजिए, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को मिस करोगे ना तो अहमदाबाद की बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे। चलो आपको आगे आगे जो हमारा ये देखो यहाँ पे आया बड़ोदरा एक्सप्रेस वे, सीटीएम चार रास्ता थोड़े से आगे निकलो, यहाँ पे देखो बड़ोदरा एक्सप्रेस वे आगे इस तरह बड़ोदरा आएगा, और यहाँ पे ये जो आगे बीआरटीएस का स्टेशन आने वाला है ये एक्सप्रेस हाईवे जंक्शन है। तो चलो गाइस तभी हम बस के अंदर की थोड़ी अपना बैग यहाँ पे हमने रख दिया है, अपना सीट तो ये हो चुका है बुक, और यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज ही देने की जरूरत नहीं है। ये अपना ये 25 रुपये में यहाँ पे हम देखो 25 रुपये यहाँ सीटीएम दिए हुए, और डायरेक्ट आरटीओ सर्कल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है। और अगर आपको अहमदाबाद घूमना है ना तो आप इसी बस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। इसके बाद आपको एक दूसरी बस हम बताएंगे जो आपको अहमदाबाद में अच्छे तरीके से बिल्कुल शांति से अच्छे तरीके से घुमा सकती है आप, उसको भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको उसको बताएंगे। बट चलो अभी आपको थोड़ा और बता देते हैं इस बस के बारे में। अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे ये देखो यहाँ पे छोटा सा साउंड लगा हुआ है जो कि जो आगे जो स्टेशन आने वाला होता है ना वो यहाँ पे बता देगा। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको किसी ने बता दिया कि आप इस जगह पे आ जाना तो आपको ये साउंड बताता रहेगा कि कौन सा स्टेशन। जैसा कि आपने देख लिया होगा ये जो हमारा माइक था वो बता दिया कि नेक्स्ट जनरेशन जो नेक्स्ट जो अगला स्टेशन आने वाला है वो घोड़ासर होने वाला है, और ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक रेडी जो अपना ये लगा हुआ है ना यहाँ सामने इसके थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट है आगे जहाँ पे जो स्टेशन आएगा और वही सामने से सीधा वहाँ बता देगा। और ये देखो अगर हम बस की सीटिंग की बात करें तो कुछ यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा वहाँ तक पीछे तक पूरा सीट यहाँ से चलाया पूरा यहाँ तक की सीटिंग का अरेंजमेंट है कुछ प्रकार का। पीछे लगे हुए 5 और बाकी 2-2 की कनेक्शन है। चलो अभी हमारे जो ड्राइवर साहब हैं थोड़ा उनसे भी हम जानकारी देते हैं, उनका भी नाम पूछ लेते हैं कि उनका नाम क्या है और इस बस को कितने दिन से वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो भी चलो उनसे जान लेते हैं। सर आपका क्या नाम होगा? शैलेश कोष्टी हमारे भैया का नाम है जो कि हमारे बस को आज गाइड कर रहे हैं। भैया आप बस के बारे में बताना चाहो, बस के बारे में आपको बताना चाहो कि क्या खूबसूरती है बस की, जो अहमदाबाद में टूरिस्ट घूमने आते हैं उनके लिए कुछ बताना चाहो क्या? फैसिलिटीज अच्छी है, एसी है, और मतलब किसी को पता ना चले उसमें सब अलाउंस होता है अंदर। हाँ, किसी को जिसका उतरना हो जैसे घोड़ा सर उतरना है तो उसमें आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं, इसमें सब अलाउंस होता है, उसमें मालूम पड़ता है। खाली आप टिकट लेके चढ़ जाओ, और जहाँ पे आपको उतरना बता देगा। और हमने एक खास चीज़ जो देखी इस बस में वो गियर नहीं इस बस में, तो अभी सारी बस में ऑटो गाड़ी है, ये ऑटो गाड़ी है। यहाँ पे अभी अहमदाबाद में कोई बस ऐसी बीआरटी खाली एक कंपनी ऐसी है जो 50 गाड़ियाँ गियर वाली है, बाकी टोटली गाड़ियाँ अभी नॉन ऑटो ही है। हाँ, गियर नहीं है उसमें, ऑटोमेटिक है। तो हमारे भैया ने बताया कि ये बस जो हमारी है ये डायरेक्ट चलती है, इसमें गियर नहीं है, एक ही कंपनी है जो गियर वाली बस चलाती है, बाकी सारी के सारे जो हैं बिना गियर के चल रही हैं यहाँ पे। जो अगला जो स्टेशन आने वाला वो घोड़ा सर, और थोड़ी दूर यहाँ पे बाकी घोड़ा सर। तो दोस्तों अभी हम देखो घोड़ा सर आ चुके हैं, बट यहाँ पे आपको स्टेशन देखने को नहीं मिलेगा इस तरफ, क्योंकि स्टेशन वहाँ पे आगे वहाँ पे इस तरफ देखो ऊपर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है, इसलिए शायद अंदर जाने की बस को जरूरत नहीं है, यहाँ बाहर उतार दे रही है देखो यहाँ पे। और अगर अभी देखो इस तरफ जब बस रुकी हुई है यहाँ पे तो यहाँ से आपको चढ़ भी सकते हो, यहाँ से चढ़ना होता है और आगे से यहाँ से उतरना होता है, बट यहाँ पे लोग नहीं उतरते हैं, जो आगे होते हैं वहीं यहाँ से उतरते हैं, यहाँ से लोग यहाँ से ही उतर जाते हैं यहाँ से। और अगर हम बात करें स्टेशन पे जब बस रुकती है तो इस तरफ का गेट खुलता है, यहाँ से आपको यहीं से चढ़ना होगा और यहीं से उतरना होगा इस तरफ से। ये है कुछ बस की खासियत जो कि आपको इस बस पर जानना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा ना समझे कि बस अगर बाहर रुकी हुई तो आपको कहीं अलग उतार दे रही, जो ये माइक हमारी बोलेगी बस सीधा जाके वहीं पर रुकने वाली है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप वहाँ पर उतर सकते हो शांति से, और आपको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो। बस में काफ़ी भीड़ वगैरह नहीं होती है। हाँ
घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस बस में सफर करो जान लो आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आप बिल्कुल सही जगह पे जाओगे जहाँ आपको जाना है। मैंने आपको आगे वहाँ दिखाया था कि आप वहाँ से मैप देख सकते हो, आप वहाँ के आपको वहाँ पर समझ नहीं आया तो आप वहाँ से पूछ सकते हो भैया हमको इस जगह पे जाना है, तो वो बता देंगे आपको, तो वहाँ की टिकट दे देंगे, आप बस की नंबर बता देंगे, उस बस में आप चढ़ जाओगे तो आप ऑटोमेटिक वहीं पर जाकर शांति से उतर जाओगे। आपको वहाँ जहाँ भी जहाँ से आगे जाना है आप जा सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट आगे वाला स्टेशन है वो है बिशनपुर, और बिशनपुर के पास हमारा स्टेशन है वहाँ, पर हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम इस तरफ की उस तरफ भी आगे काम चालू है, इसलिए वो रूट ही बीच का बंद है और यहाँ पे हम रुकेंगे। देखो ठीक है, और ये जो गेट का बटन होता है ना वो हमारे ड्राइवर साहब के पास आगे यहाँ पे ही होता है। भैया जैसा कि आप ये जो तीनों यहाँ पे गेट हैं ये आप ही ऑपरेट करते हो ना? ये सारे बटन इनके भैया के पास होते हैं यही खोलते हैं, और देखो यहाँ से हमारा मेन रास्ता बीच वाला स्टार्ट हो गया, बगल का रास्ता वहाँ पे छूट गया, बाकी लोग उधर जाएँ। ये मेन रास्ता BRTS का है, यहाँ से हम आगे सीधा जा सकते हैं। अगर इस रास्ते से हम जाएँ तो लगभग हमें RTO सर्कल जाने में एक घंटा लगेगा, और अगर हम उस रास्ते से बाहर वाले से जाते हैं तो हमको लगभग एक घंटा 15 मिनट या 10 मिनट लग सकता है, क्योंकि उधर आगे ट्रैफिक होती है इसलिए, और अगर इस रास्ते जाते तो एक घंटे बिल्कुल एक घंटे से पहले ही पहुंच सकते हैं, लेट नहीं होगा। और हमारा जो स्टेशन आ गया ना ये है नारोल, यहाँ से हमारी बस दूसरे रूट पे चल जाएगी। यहाँ पे कई सारे बस खड़ी जो कि यहाँ से डायरेक्ट ऑपरेट की जाती हैं। बस के ऊपर यहाँ लिखा 5 नंबर की बस है, और सामने आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको यहाँ पे आगे लिखा हुआ मिल जाएगा देखने को, इस पर भी आप जा सकते हो वासना के लिए। बस अरे हमारे दादाजी देखो यहाँ पे आके बैठे, दादाजी आप कहाँ जा रहे हो? मेम नगर। तो आप इस बस से हमेशा इसी बस से सफ़र करते हो? हाँ। कैसा लगता है आपको इसकी फैसिलिटी? अच्छा है, अच्छा है ना, मस्त है एकदम, वो इसमें बैठ के हर बार। हाँ, अच्छा भी है। हाँ, अठवाड़ी में 5 मिल जाता हूँ। आपने देख लिया ना, दादाजी भी इसी बस का हमेशा इस्तेमाल करते हैं, कि ये बस बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है यहाँ के लिए। अगर आपको अहमदाबाद में कहीं भी जाना है तो बहुत बिल्कुल हर एक छोटे छोटे स्टॉप पे रुकते हो जाती है, और बिल्कुल शांति से मस्त। देख लिया ना, ये ऑटोमेटिक खुला और बंद हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल सीटों पे एसी लगा होता है, देखो यहाँ भी लगा हुआ है, और यहाँ भी हर जगह आपको 4 नंबर टेबल मिल रहे हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी सारे। और जो हमारी बस है ना ये 5 नंबर की, और अगर हम इस बस की बात करें तो ये लगभग हमको अहमदाबाद के बाहर ही घुमा के ले जाती है हर जगह पे। अगर आपको अंदर जाना है तो आपको दूसरी बस बदलनी पड़ेगी, ये बस जो हमारी है ये सीधे हमको बाहर से होते हुए RTO सर्कल ले जाती है। अगर आपको अगर कहीं अलग जाना है तो आप स्टेशन से उतर के बस बदल सकते हो। अभी हमको यहाँ खुड़ियार नगर से निकले हुए हैं, और अभी हमको आगे देखने को मिलेगा साबरमती नदी, और आई थिंक हम 2 बार शायद साबरमती नदी पार करेंगे, एक यहाँ से और एक अभी RTO सर्कल आगे जाएंगे तब तो 2 बार साबरमती नदी पड़ेगी क्या यहाँ से आगे। साबरमती
बात और, ये जो बस है हमारी ना, ये बिल्कुल आवाज़ नहीं करती, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं। आप बैठे रहोगे मालूम नहीं चलेगा आपको कि बस स्टार्ट है या बंद हुई है, क्योंकि जब तक चलेगी नहीं आपको मालूम ही नहीं चलेगा इस बस के अंदर कि क्या चल रहा है। और हमने एक बार साल से रिपेयर की, अभी नेक्स्ट दोबारा जब हम RTO सर्कल पहुँचने वाले ना, तब आएगा हमारा ऐसे नहीं देखने के बार आपको एक बार और मिलेगी। अभी हमारी जो बस है वो आई है बाहर देखो इस तरह, और हमारा स्टेशन है उस तरफ, क्योंकि वहाँ भी वर्क जो है चालू ही है। और ऐसे ही बस हो जाती है लेट, क्योंकि बाहर देखो ट्रैफिक कहीं से भी घुस जाते हैं, और आगे भी अंदर देखो वहाँ से बस गई ना, वहाँ से आगे से रास्ता वापस से चालू हो जाएगा। ये जो आगे जो ये वाला जो रास्ता है ना, ये ओनली फॉर VRTS बस के लिए, इसके अंदर कोई नहीं जा सकता, सिर्फ या तो VRTS बस जा सकती है या तो शायद एम्बुलेंस इसके अंदर से गुजर सकती है, बस दो ही, तीसरा कोई नहीं। ट्रैफिक यहाँ की तो आगे ट्रैफिक, आज है संडे फिर भी कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। आगे हमारी जो वासना वाली बस जा रही थी वो आगे खड़ी है, और आगे ट्रैफिक यहाँ से हमको आगे ट्रैफिक भर भर के मिलने वाली है। यहाँ से जो वासना की वो बस थी ना, वो यहाँ से इस तरफ चली जाएगी, इस तरफ आगे, और हमको भी आगे लगभग हम 10-35 सीटर के लगभग 11-40 से पहुँच जाएंगे वहाँ पे RTO सर्कल। आप लोगों को और बता दूं, यहाँ पे मैं बताना भूल गया शायद, मुझे ध्यान नहीं रखा, पर अभी मुझे ध्यान आ गया, मैं आप लोगों को बता दूं। ये जो हमारी यहाँ पे बटन देख रहे हो ना, यहाँ पे स्टॉप वाला, ये हमारा बटन भी अगर आप दबाओगे तो बस रुक जाती है। इसके बाद फिर हम ड्राइवर साहब से थोड़ा पूछ रहे कि बस बटन काम भी करता है या नहीं। भैया ये बटन काम नहीं करता है, बस खाली लगा हुआ है इसमें। नहीं, लेकिन बटन काम करता था, बट पैसेंजर ने भाई, भीड़ बस में काफ़ी ज़्यादा होती है, अभी तो आज नहीं है, बट भीड़ बस में काफ़ी ज़्यादा होती है, आज नहीं है फिलहाल, इसलिए बटन यहाँ पे इस प्रकार के कारण दब जाता था, और ड्राइवर साहब जो हमारे उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती थी, इसलिए बटन को स्टॉप कर दिया गया, बंद कर दिया गया, बटन काम अभी नहीं करता फिलहाल, ये बटन काम करता था। ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी, बट ये भी अच्छा हो गया ड्राइवर साहब ने बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होती है इसलिए। अभी हम कहाँ पहुँच चुके हैं, अभी ये पहुँच चुके हैं मेम नगर। यहाँ से कितना दूर, कितना देर लगेगा जाने में? RTO 15-20 मिनट। अभी हमको 15-20 मिनट इसी बस में और बिताने की जरूरत है। और बस जैसी थी वैसी अपनी बस अभी, इसमें थोड़ा भी भीड़ अभी नहीं हुआ है, मतलब सीट भी, दो सीट्स खाली हैं यहाँ पे, देखो एक सीट यहाँ पे गाड़ी के पास खाली हुई है, पीछे की तरफ से सीटें जो हैं वो खाली हैं, बस में भीड़ बिल्कुल नहीं है, और सामने वाली जो बस है उसमें भी भीड़ बिल्कुल नहीं है, बट आज के लिए हैं, बाकी दिनों भीड़ होती है क्योंकि आज संडे है। और अभी जितने भी VRTS के स्टेशन हैं ना, जो रुकने के स्टॉप हैं उनके ना, वहाँ पे ज़्यादातर अभी वर्क चल रहा है, इसलिए हमारी ज़्यादातर जो बसें हैं वो बाहर की तरफ ही रुक जाती हैं। अभी जो हमारी बसें हैं ज़्यादातर बाहर ही हो जाती है, हमारी बस रुकनी थी वहाँ, वो है इसका स्टाफ, पर वहाँ पे बस हमारी रुकी नहीं, बस हमारी बाहर रुकी, कि जो ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके थे और काफ़ी ज़्यादा खड्डे पड़ गए थे, बरसात भी इसमें ज़्यादा हुआ था इस बार इसलिए शायद, और उनके भी रिन्यूवेट का काम चल रहा है उनका, और जब वो रूट जब पूरा स्टार्ट होगा ना, तो अपनी जो बस है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके चलती है और बिल्कुल स्मूथ तरीके चलती है। और अगर अभी हम बात करें बस के सीट की, तो लगभग इसमें 22 सीटें हैं,
और एक हमारे ड्राइवर साहब के लिए 23 सीटें हो जाती हैं। आप मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, पूरे जो अभी सीटें हैं 22 सीटें हैं और इसमें 22 से इससे 50 से 60 सवारी हो जाते हैं, बट अभी इसमें सीटें हैं वो 22 हैं। इसी रोड पे देखा ना आपने, छोटी सी टनल भी देखने को मिली, छोटी सी टनल थी बस तक रेलवे पटरी गई हुई है, इसलिए थोड़ा पीछे से बस हमारे निकाल के बाईपास दिया गया है। तो अब यहाँ से हमारी स्टार्ट हो गई अहमदाबाद की मेट्रो। देखो जो आपको पिलर वगैरह यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये ऊपर अहमदाबाद मेट्रो है। जो कि फेस नंबर 2 है, फेस नंबर 1 नहीं, फेस नंबर 2 है ये। नंबर 1 जो था यहाँ पे अहमदाबाद मेट्रो का, वो था वस्त्राल गांव से अप्रैल पार्क तक, उसके बाद वहाँ से स्टार्ट हुआ है और आगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेट्रो का वर्क हो चुका है। मेट्रो बहुत जगह पे चल रही है पर पूरा हमको नहीं पता यहाँ पे एग्जैक्ट कितना यहाँ पे मेट्रो चालू है। हमने आपसे बोला था ना लगभग हमको 11:40 हो जाएंगे RTO सर्कल पहुँचने में, और लगभग अभी समय की बात करें देखो 11:40 होने 40 हो रहा है 40 होने वाले देखो, और हम आ चुके हैं RTO सर्कल। आ चुके हैं गाइस अभी RTO सर्कल और हमारा ये लास्ट स्टॉप है, यहाँ उतरेंगे या उतर जाएंगे। चलो अपने यहाँ बस को भी बाय बाय करते हैं, अपने भैया को भी बाय बाय। चलो भैया मिलते हैं आपसे वापस अभी, तो आपसे मिलकर भी अच्छा लगा और ये जो हमारे यात्री थे इनसे भी मुझे अच्छा लगा। और यहाँ बस बिल्कुल पूरी पूरी बस खाली चुकी है, हमको यहाँ से उतर जाना है बिल्कुल। चलो मिलते हैं आपसे अपने, अभी हम आ चुके हैं RTO सर्कल। RTO सर्कल का कुछ प्रकार से मूवमेंट है यहाँ पे देखो, और ये है यहाँ का स्टॉप। यहाँ पर यहाँ पे आप यहाँ से आपको जहाँ कहीं भी जाना है हर जगह की बस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हमारी बस अमृत वाले बस से आए थे जो कि अभी यहाँ से जा रहे हैं, ले जाएगी कहीं खड़ी हो जाएगी, उसके थोड़ी देर बाद यहाँ से वापस इसको CTM 4 रास्ता ही जाना है, सिर्फ कहीं दूसरी जगह पर नहीं जाएगी, CTM 4 रास्ते पर वापस जाएगी। बट अभी थोड़ी देर बाद अभी जो इसके अंदर चार्जिंग कम होगा, लगभग एक बार चार्ज करने पर लगभग 300 किलोमीटर चलती है, बट अभी थोड़ा इसको चार्ज करेंगे, थोड़ा नाश्ता पानी ड्राइवर साहब हमारे जो हमें करेंगे, इनकी ये दूसरी ट्रिप थी सुबह से लेके अभी तक, और अभी ये यहाँ से आए हुए हैं वापस ही जाएंगे CTM 4 रास्ते पे। देखो तो चलो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे आपके कहीं नेक्स्ट वीडियो में कहीं अलग से, तब तक के लिए आप दूसरे ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।